यह राशिफल जैमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए है और ये साल 2024 का राशिफल है। और हमने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि आप यकीन कर पाएंगे अपनी किस्मत पर जब आपके लिए कोई आएगा सपनों की दुनिया से। कैसा होगा वो मंजर, कैसा होगा वो समय जब आपके सामने वही होगा जिसको जिसके सपने आपने देखे या जो बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। और सपनों की दुनिया से साक्षात निकल के जब कोई सामने आता है तो कई बार हमको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं होता। हम इस विषय के बारे में बात करेंगे इसी राशिफल में, और साथ में बात करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल और अंत में मैसेज ऑफ द ईयर जो कि यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है। तो शुरू करते हैं एक एक करके एक एक सेक्शन से। तो मिथुन राशि वालों, एक हम आपके हेल्थ के सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ के मामले में आपको वही मेरी एडवाइस हमेशा है कि आप खुद को इग्नोर मत कीजिए। खुद को इग्नोर करके कुछ फायदा नहीं है। आपकी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी आप होने चाहिए, और ये 2024 में बिल्कुल आपको बिल्कुल आप उस तरफ आप घूम जाएंगे भी, और सारा ध्यान आप जो है अपने ऊपर भी लगाएंगे। जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं लाइफ में, आप जो है लाइफ में बड़े बड़े जो है सेक्रीफाइसेस करके आप जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबकी सेवा एक अलग एक बात है, लेकिन आपको खुद की भी सेवा करनी चाहिए, और बिल्कुल आप इस तरफ ध्यान देंगे 2024 में। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। अब अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और ये काफ़ी खास साल होगा आपके लिए बहुत सारी सफलता पाने का। लेकिन जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि जो सफलता होती है वो शेयर्ड होती है, सक्सेस जो होती है वो शेयर्ड होती है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग भागीदार होते हैं। लेकिन जो फेलियर होता है वो एक्सट्रीमली प्राइवेट होता है। लेकिन आपको इस साल में एजुकेशन में बड़े अच्छे आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बहुत सारी तरी बहुत सही बिल्कुल एकदम दिशा में अपनी पढ़ाई को लेकर के जाएंगे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अचीव करेंगे आप इस साल में। नेक्स्ट है हमारे पास में करियर। कार्यस्थल पर जो है 2024 में बदलाव होने के चांसेस हैं। मैंने मिथुन राशि के ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से जॉब चेंज ही नहीं करते। 2024 में ये पोजीशन थोड़ा सा हिलने वाली है और आप जो है पुराने इस सेटअप से, पुरानी दुनिया से निकल के नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, यानी कि नई कंपनीज में आप प्रवेश करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए फाइनेंस। रुपए पैसे की स्थिति जो है वो शानदार बनी हुई है, और जो भी आप जिस तरह से भी आप अपने बिजनेस का मतलब बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, वो आपको पूरी तरीके से इस बार होता हुआ दिख रहा है। और 2024 में आपका जो भी बिजनेस है, जो भी स्टार्टअप है, वो बहुत अच्छे ढंग से तरक्की भी करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके लिए आपके लव के सेक्शन की, कि प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है। तो काफ़ी लकी लकी रहेंगे आप प्यार मोहब्बत में, और ये जिन जिनको आप पसंद करते हैं, तुला और तुला राशि के लोग, और ये कुंभ राशि के लोग और सिंह राशि के लोग, ये तीन राशियां आपको विशेष तौर पर पसंद हैं, और इन्हीं में से ही कोई किसी ना किसी के साथ में आपका मैच बनेगा, और ये तीनों के तीनों बहुत ही शानदार लोग हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मैरिड मैरिज लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चलेगी इस साल में। और कुछ जो है यहाँ पर आप स्थान परिवर्तन करेंगे, घर में कोई नया फैमिली मेम्बर भी ऐड हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। सो दैट्स ऑल फंटेस्टिक, बहुत ही बढ़िया वो है ये। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती के मामले में आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा आप यारी दोस्ती में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें भी इस वाले रुख में ही बदलाव आप करेंगे 2024 में। नेक्स्ट है हमारे पास आपकी फैमिली। अब परिवार के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है कि उनमें जो है सभी लोग मांगने वाले हैं, उनमें से देने वाला कोई कुछ है नहीं। ये जो इक्वेशन है ये 2024 में भी जारी रहेगा। आप बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहने वाली हैं और वो कहीं नहीं जाने वाली, वो जो है बिल्कुल आपसे सपोर्ट मांगते रहेंगे हमेशा। आपको भी उनको सपोर्ट देने में कोई इशू नहीं है। तो ये एक 2024 में आपकी फैमिली की स्थिति ये होने वाली है। नेक्स्ट है ट्रैवल। यात्राएं जो है वो काफ़ी होंगी इस बार, और कई बार आपको लोगों के सपोर्ट के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी,
और बिजनेस रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड और आपके जॉब से रिलेटेड यात्राएं इस 2024 के साल में पॉसिबल है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास में मैसेज ऑफ द ईयर। मैसेज ऑफ द ईयर आपके लिए यही है कि क्या आप यकीन कर पाएंगे अगर अपनी किस्मत पर, जब आपके सामने कोई आएगा आपके सपनों की दुनिया से। देखिए भाई, ऐसा है मिथुन राशि वालों, आपका आधा समय अगर आप देखेंगे तो डिसीजन लेने में देरी से, डिसीजन लेने में जो आपने देरी करते हो वो समय निकल जाता है और आपको बाद में एहसास होता है कि यार वो मतलब जो भी वो व्यक्ति थे वो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे और उनके साथ में अगर मतलब अगर अपना हिसाब किताब बनता तो बहुत अच्छा बनता। लेकिन आप 2024 में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक दूसरा चांस भी मिलेगा, है ना, दूसरा या तीसरा चांस भी मिलेगा। और क्या आप यकीन कर पाएंगे अपनी किस्मत पर जब आपके लिए कोई आएगा सपनों की दुनिया से? और उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे 2024 में और आपका जो है एक अच्छा हिसाब किताब बनेगा और ये इंस्टेंट कनेक्शन होगा, लव एट फर्स्ट साइट वाला रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।